हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास जेंशिन इंपैक्ट गेम जो है लॉन्च नहीं हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, क्रैशिंग हो रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम को आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको जो है स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक कर टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर टास्क मैनेजर में जेंशिन इंपैक्ट गेम शो हो जाएगा। आप इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप एंड टास्क के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना है जेंशिन इंपैक्ट, ओके। उसके बाद आपको जो है इसको राइट क्लिक कर यहाँ पर आप ओपन फाइल लोकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस गेम के एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है और कंपेटिबिलिटी टैब में आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन, इस बॉक्स में आपको चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इस वाले बॉक्स में भी आपको चेक करना है इस तरीके से। उसके बाद आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको जो है विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले अडाप्टर का ऑप्शन है, आप इसको डबल क्लिक कीजिए, ये ऑप्शन एक्सटेंड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर ग्राफिक कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको उसके बाद आपके पास यहाँ पर ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर अपडेट हो जाएंगे। फिर आप इसको क्लोज कीजिए और एक बार से ग्राफिक कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, ओके। उसके बाद इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर शो हो जाएंगे, आप उसको सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको उसको क्लोज कर देना है, यहाँ पर से सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक करना है, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर चेक करना है आपके पास विंडोज़ अपडेट पेंडिंग है तो आप उसको कंप्लीट कीजिए, आपके पास विंडोज़ अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस सेटिंग को क्लोज कर लेता हूँ। फिर आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।